ऑफिशियली करोड़पति यस अगर ये मेरा ऑफिशियली मतलब बाकायदा एक पैन कार्ड के ऊपर 1 करोड़ 20 लाख कमाने वाला व्यक्ति यहाँ पे आने वाला है और ऐसे आवाज में तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ तक आए। नमस्कार आपको मैं बोलता हूँ सारी चीजें जीत के समझाइए ईमानदारी। अभी आपका ध्यान जितना था मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया था 7 साल पहले की स्टोरी बता रहा हूँ, समय कम है। मेरा नाम सचिन कागड़े, उल्लास नगर का रहता हूँ। इस बिजनेस के आने से पहले 7.5 हजार की प्राइवेट नौकरी करता था कंपनी में, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे बिजनेस में लाया वो मेरे लिए कोई अनजान व्यक्ति था। और वो मुझे यहीं पे बोलते हैं ना मुंबई के लोकल ट्रेन में मिले थे, उल्लास नगर से हमारा दादा जाना था मेरे ऑफिस के लिए, और वो घाटों पर उतरते थे वहाँ पे। ऐसी परिस्थिति में मालूम है ना कैसी है। अभी 2 साल से लोगों को लगता रहेगा कि मेरे शुरुआत में लोग का चालू हुआ ना लॉकडाउन के बाद, तो किसी लोगों को विश्वास ही नहीं मैं लोकल मध्य बसते और इतने सारे लोगों में अगर व्यक्ति मुझे कह रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले किसको बैठे। और उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों जो कहते हैं भगवान शर्मा इस कंपनी के सीटीसी प्रधान श्री अशोक लाल सर, इनको थैंक यू। बाकी साथियों की कोई कलम से रहेगा, कोई डोलो भी से रहेगा, कोई दीवा से रहेगा, मैं उल्लास नगर से आपको एसएनडीटी कॉलेज के आते प्लान देख लीजिए। और प्लान देखने का मैं भी वहां पे डोर के अंदर खड़ा था, इसलिए दिमाग में फिट ना करना नहीं, लेकिन सारी चीजें देखने के बाद अलग अलग लोगों को सुनने के बाद एक चीज पता चला कि यहाँ पे एक हाउस वाइफ भी सक्सेस है, यहाँ पे एक प्राइवेट लिमिटेड जॉब वाला भी सक्सेस है, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कर रहा है, यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट भी कर रहा है। तो मैंने सोचा अगर अलग अलग फील्ड का आदमी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस है तो 100% में भी सक्सेस हो सकता है। लेकिन जैसा आज आपको सचिन सर ने बताया कि जीवन में बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे ना, तो शायद कुछ लोगों का ऐसा लगा रहेगा मुझे बोलते रहे तो लाया था कि जीरो इन्वेस्टमेंट है। बस इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रांड बदलना है। 7 साल पहले से जब मैं बिजनेस पे आने से पहले से लक्ष्य लगाता था और लक्ष्य लगा कि लक्ष्य काला हो गया लेकिन मेरा कलर चेंज है। लेकिन 7 साल से माइंड एंजल का नीम सॉस लगा रहा हूँ, कलर भी नहीं चेंज हुआ लेकिन अकाउंट में पैसा आ रहा है। ब्रांड चेंज करने से, दुकान चेंज करने से अगर हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है तो आपके जीवन में होगा कि नहीं होगा? बोल रहे बस बोल रहे काम किया, बाहर से सामान लेता था यहाँ से लेकर जिंदगी में एक बार एडजस्ट करते। बहुत सारे लोग रखते रहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा किसी के पास नहीं होता है। अगर जाके देखो अंबानी भी जितना पैसा है ना बिल भी वो जाके लोन लेता है, पैसा किसी का तो पैसा अरेंज करना पड़ता है। हमने मैनेज किया हमारे परिवार के, आज आपकी बारी। आज 2 दिन के बाद 21 दिसंबर है, लोग बोलते हैं बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं अभी बोलते ना जो 21 में नहीं हो वो 22 में करूंगा, 31 दिसंबर को सब बोलेंगे। और जो 31 दिसंबर को बोलते हैं ना वो कुछ नहीं करता है, वो कौन से इसमें बोल रहा है कोई पता है। लोग तो कुछ अगर तय करना है, कुछ संकल्प लेना है तो आज लीजिए, 28 दिसंबर 2021 या 1 दिसंबर 2021 या पूरा साल मेरे लिए कैसा क्या मुझे पता नहीं, लेकिन 2022 में मैंने मेरे परिवार के लिए जो जो चीजें 21 को नहीं मिली ना वो सारे 22 में दूं। ये टारगेट लेके आया था। जो व्यक्ति को सुनने वाले उस व्यक्ति की स्टोरी उनके जुबानी सुनो, मैं कहना उचित नहीं है बहुत, इसलिए मैं ये कहूँ कि एक साधारण व्यक्ति हूँ जिनके पास मैं बोलता हूँ रहने के लिए घर नहीं था। आज मैं बोलता हूँ हम लोग तो यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति कम से कम अच्छे घर में रहे, चाहे वो खुद का हो गया रेंट का हो गया हमारे माँ पिता जी का, लेकिन उस व्यक्ति के पास रहने के लिए कुछ नहीं था लेकिन फिर भी आज मुंबई में इतने सारे करोड़ रुपए का मालिक बने। तो उस व्यक्ति को सुन के जाना बहुत अच्छा। हमारे खेल करे आज के वीवीआईपी के रिजवान सिद्दीकी सर के लिए एक बार बोलना चाहते हैं। और
जब ब्लॉक करता था 7.5 साल अगर थी तो आपने उतर बाइक लेके क्या लगता है अपनी घर में था इतना बाइक लेकर 7 साल से कर रहा हूँ आज अच्छा खासा घर है आज दो दो टू व्हीलर है आज 11 लाख की गाड़ी से चलता हूँ आज लाखों में इनकम है और इधर सारी चीजें जब मेरे साथ होती तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मैं कितना बड़ा हूँ जब मैं देखता हूँ तो ज्यादा नहीं है सिर्फ बादल में 5 बार फिर सोच के देखिए बादल हाँ यार मेरे पे क्या बीतती रही जब मैं किसी को अगर जाता था मैं पाली में 5 10 मिले तो लोग मुझे बोलते थे सर यहाँ पे हाउस कीपिंग का काम मिलेगा ऐसी मेरी हालत थी लेकिन थैंक्स टू माय लाइफ यार मेरे को एक टाइम टीम मैनेजमेंट को सलूट करता हूँ कि वही पाली में 5 बार फेल वाला व्यक्ति आज इस बिजनेस के माध्यम से 11 लाख के गाड़ी दी जिसके साथ आयो ईमानदारी से फॉर्म भर ना कि कोई डांस कर आने वाले 28 दिसंबर 2022 को आप एक बार कहोगे की 28 दिसंबर 2021 को सचिन गोड़के सर को सुना था इससे मेरे बिजनेस की शुरुआत थी और आज 1 साल में मेरे जीवन में परिवर्तन खरीदी करने से कोई रस्ते पे नहीं आने वाला लेकिन 10 साल के अगर प्रोडक्ट परचेज करते हो डिसीजन लेते हो तो 100% दोस्तों हमला जैसे आप लाइफ जी सकते हो आपको एक ही कहूंगा बॉस ये सारा सक्सेस पाने के लिए आपको 7 साल लगा कितना 7 साल आप भाग्यशाली हो क्या रेड कार्पेट आज कोई प्रोडक्ट की कमी नहीं है हर जगह GTS हर जगह ऑफिस है खाली आपको 10% उसका एडवांटेज लेना है 90% पूरा सिस्टम आपके साथ है दोस्तों मैं ऊपर वाले को पूरा करूंगा कि मुझे 7 साल लगे लेकिन आपको ये सारी अचीवमेंट सारा सक्सेस आने वाले 3 से 5 साल में मिले विश्व वाले में जय हिंद जय भारत थैंक यू।